पूजा के दौरान अलग अलग जिलों में 53 लोगों की मौत, नदियों में डूबने और दूसरे हादसों में 53 लोगों की मौत। सीएम नीतीश कुमार ने लोगों की मौत पर जताया दुख, 4-4 लाख रुपए देने का किया ऐलान। बिहार में आस्था का महापर्व छठ पूजा का समापन हो चुका है। प्रदेश में छठ पूजा के दौरान डूबने और दूसरे हादसों में 53 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 53 लोगों की मौत पर दुख जताया, साथ ही मुआवजा देने का ऐलान किया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देंगे। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि उपलब्ध कराने का जिला प्रशासन को निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। बिहार आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक 30 और 31 अक्टूबर को प्रदेश के अलग अलग छठ घाटों पर नहाने के दौरान डूबने से 53 लोगों की मौत हो गई। विभाग के अनुसार 29 से 31 अक्टूबर के बीच नदी, नहर, तालाब, पोखर और छठ घाट पर अन्य हादसों में 32 लोगों की मौत हो गई। यहां मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में 3-3, भागलपुर और रोहतास में 2-2 तथा कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, नवादा, सीतामढ़ी, वैशाली, सहरसा, कटिहार, पटना और मधेपुरा जिला में 1-1 व्यक्ति की छठ घाटों पर नहाने के दौरान डूबने से तथा अररिया में छठ घाट पर बिजली की चपेट में आकर 1 व्यक्ति की मौत हुई है। पटना एवं पूर्णिया में 5-5, सहरसा में 4 की मौत, समस्तीपुर में 3, खगड़िया, भागलपुर एवं गया में 2-2, गया, बेगूसराय, बक्सर, कटिहार, औरंगाबाद, शिवहर, बांका, सुपौल एवं कैमूर में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। इसके साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में फुटवेयर फैक्ट्री में आग लगने से बिहार के बांका निवासी सोनू ठाकुर मौत पर भी दुख प्रकट किया है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट किया कि दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में फुटवेयर फैक्ट्री में आग लगने से बिहार के बांका निवासी सोनू ठाकुर जी की मृत्यु दुखद है। उनके परिजन को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करे। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना है। स्थानीय आयुक्त नई दिल्ली को दिल्ली सरकार से आवश्यक समन्वय स्थापित कर मृतक के पार्थिव शरीर को बिहार लाने की समुचित व्यवस्था करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आदर्श भारत टीवी।